Hello friends, this is Praneeth again and welcome to the next class of AWS Certified Solution Architect Associate. Now, last class में हम लोगों ने देखा था कि AWS का जो S3 हमें हम लोग बकेट का सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करते हैं उसी से रिलेटेड एक उसका सेकेंड पार्ट है एनक्रिप्शन इन S3। तो आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग S3 में एनक्रिप्शन कितने टाइप से इंप्लीमेंट कर सकते हैं और एनक्रिप्शन के क्या एडवांटेज होंगे और फिर का एक छोटा सा हम लोग डेमो भी देखेंगे कि S3 इंक्रिप्शन क्या होता है। अगेन दिस इज द सीरीज ऑफ AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट ट्रेनिंग। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमको पढ़ना है कि एग्जैक्टली S3 इंक्रिप्शन क्या होता है, हम S3 का प्रोटेक्शन S3 यूज करके डेटा प्रोटेक्शन कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन कितने टाइप के हम लोग यूज कर सकते हैं S3 में, और लास्टली हम लोग इसका एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। तो सबसे पहला चीज आता है फ्रेंड्स कि एनक्रिप्शन क्या होता है। तो आई थिंक एनक्रिप्शन क्या होता है सबको पता है, लेकिन अमेजोन S3 में एनक्रिप्शन कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है इसका हम लोग डेफिनेटली इंफॉर्मेशन लेते हैं। सो व्हेन यू यूज सर्वर साइड एनक्रिप्शन, तो ये अभी क्या होता है सर्वर साइड एनक्रिप्शन अपन आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। तो S3 एनक्रिप्शन में जब भी आप डेटा अपलोड करते हो S3 बकेट के अंदर, तो AWS क्या करता है उसको एनक्रिप्ट कर देता है वॉट एवर ऑप्शन जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा, और जब आप उसको डाउनलोड करते हो, जब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आप दोबारा डाउनलोड करने की कोशिश करते हो, तो वो उसी कीज के थ्रू उसको डिक्रिप्ट करके आपको देता है। तो इसका एडवांटेज क्या हुआ, तो इसका एडवांटेज ये हुआ कि जो भी आपका डेटा S3 में अपलोड होगा वो S3 में जब तक कि आपके बकेट में रहेगा वो एनक्रिप्टेड रहेगा। किसी ने भी अगर उस डेटा को अनऑथोराइज एक्सेस करने की कोशिश की या उस डेटा को यूज करने की कोशिश की विदाउट परमिशन, तो वो डेटा उसके किसी काम का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एनक्रिप्टेड डेटा है और एनक्रिप्टेड डेटा को वो रीड नहीं कर पाएगा। जब तक वो डिक्रिप्ट नहीं होता है तब तक के ही वो यूज में आ सकता है। तो अब इसका और एक एडवांटेज क्या होगा कि अगर आपने परमिशन दी है तो ही वो डिक्रिप्ट हो सकता है, मतलब डाउनलोड परमिशन आप सही तरीके से करते हो तो ही वो डिक्रिप्ट हो सकता है, अदरवाइज वो डेटा जो है वो डिक्रिप्ट नहीं होगा। अभी डेटा प्रोटेक्शन जो हमको करना है, तो डेटा प्रोटेक्शन कैसे होगा, एनक्रिप्शन कहाँ कहाँ पे लगता है? तो डेटा की टू स्टेट्स ऑफ डेटा, एक होता है डेटा इन ट्रांसिट और एक होता है डेटा एट रेस्ट। नाउ व्हाट इज डेटा इन ट्रांसिट, तो डेटा इन ट्रांसिट का मतलब है डेटा ट्रेवल कर रहा है, डेटा आपके बकेट से निकल चुका है और वो कहीं और पहुंच गया हो या फिर इन ट्रेवल कर रहा हो। तो एज इट ट्रेवल टू एंड फ्रॉम अमेजोन S3, तो या तो डेटा S3 से निकल चुका है या डेटा S3 में हम लोग अपलोड कर रहे हैं फिर S3 में जा रहा है, तो उस स्टेट को हम लोग बोलेंगे डेटा इन ट्रांसिट। और डेटा एट रेस्ट मतलब डेटा हमारा रखा हुआ है, डेटा हमारा बकेट के अंदर है, तो वाइल इट इज स्टोर्ड ऑन डिस्क इन अमेजोन S3 डेटा सेंटर। तो हमारा जो डेटा है वो S3 या फिर अमेजोन के सर्वर से स्टोर्ड है, तो ये होगा डेटा एट रेस्ट। तो दोनों पर अलग अलग लेवल का एनक्रिप्शन या फिर अलग अलग लेवल का प्रोटेक्शन लगता है। तो जब डेटा इन ट्रांसिट होता है तो इट इज ऑलरेडी प्रोटेक्टेड बाय SSL। अगर आप कोई भी बकेट का डेटा डाउनलोड करने की कोशिश करते हो तो वहां पे आप देखेंगे कि वो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड होता है SSL से, या फिर क्लाइंट उसको खुद भी एनक्रिप्ट कर सकता है डाउनलोड करने के बाद, या डाउनलोड करके या फिर उसको एनक्रिप्ट करके ही अपलोड कर सकता है। तो डेटा इन ट्रांसिट बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड होता है आपका SSL सिक्योरिटी से। लेकिन डेटा एट रेस्ट को हमको एक्चुअली फोकस करना है कि डेटा एट रेस्ट में हम लोग कैसे एनक्रिप्शन करेंगे। तो इसके दो टाइप है, AWS आपको दो तरीके देता है या फिर हम लोग बोलेंगे उसको कि दो तरीके से हम लोग डेटा इनक्रिप्ट कर सकते हैं। एक होता है सर्वर साइड इनक्रिप्शन और होता है क्लाइंट साइड इनक्रिप्शन। नाउ व्हाट इज सर्वर साइड इनक्रिप्शन, तो सर्वर साइड इंक्रिप्शन जो हमने सबसे पहले स्लाइड में देखा था कि जब भी आप डेटा अपलोड करते हो तो रिक्वेस्ट अमेज़न S3 टू एनक्रिप्ट योर ऑब्जेक्ट बिफोर सेविंग इट ऑन डिस्क एंड इट इन इट्स डेटा सेंटर। जो भी डेटा S3 डेटा सेंटर में जाएगा अगर सर्वर साइड इंक्रिप्शन इनेबल्ड है तो वो क्या हो जाएगा, एनक्रिप्ट हो जाएगा, और जब तक वो डेटा सेंटर में पड़ा हुआ रहेगा, डेटा सेंटर में रखा हुआ रहेगा, तब तक वो एनक्रिप्टेड ही होगा। जब आप उसको डाउनलोड करोगे तब वो होगा डिक्रिप्ट होगा। कस्टमर या फिर क्लाइंट साइड एनक्रिप्शन क्या होता है,
क्लाइंट साइड एन्क्रिप्शन में क्या होगा, यही प्रोसेस होगी, लेकिन AWS आपका जो डेटा एन्क्रिप्शन है वो नहीं करेगा. एनक्रिप्ट डेटा क्लाइंट साइड एंड अपलोड द एनक्रिप्टेड डेटा टू अमेज़न S3. तो क्लाइंट खुद डेटा एनक्रिप्ट करेगा और फिर एनक्रिप्ट करके वो S3 पे अपलोड करेगा. इन दिस केस यू मैनेज द एनक्रिप्शन प्रोसेस, द एनक्रिप्शन कीज आर रिलेटेड एंड रिलेटेड टूल्स. तो एनक्रिप्शन अगर आप क्लाइंट साइड पे कर रहे हो तो इसका पूरा का पूरा जो भी प्रोसीजर होगा, इसके जितने भी टूल्स या आप कीज यूज करोगे, वो सब क्लाइंट साइड मतलब हमको मैनेज करनी है. AWS हमको उसमें कोई मदद कोई हेल्प नहीं करेगा. अब सर्वर साइड एनक्रिप्शन, क्योंकि यही हमारा मेन पॉइंट है कि आपका S3 डेटा जो है वो प्रोटेक्ट कैसे करता है, डेटा जो है वो एनक्रिप्ट कैसे करता है. तो S3 के पास में डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर सर्वर साइड एनक्रिप्शन यूज करने के लिए तीन तरीके हैं. एक है आपका Amazon S3 मैनेज कीज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SSE S3 भी कहा जाता है. एक है आपका कस्टमर मास्टर की CMKs और स्टोर्ड इन AWS KMS सर्विस. तो यहाँ पे दोनों में आप फर्क देखिए कि ये सिर्फ S3 लेवल पे काम करेगा और ये जो है KMS, ये की मैनेजमेंट सर्विस एक स्पेशल सर्विस होती है AWS की, जो जितने भी आप कीज यूज कर दो अलग अलग सर्विस में उसको मैनेज करता है, एनक्रिप्शन उनका मैनेज करता है. एंड लास्टली कस्टमर प्रोवाइडेड कीज, अगर आपको डेटा एनक्रिप्ट करना है लेकिन आप S3 या फिर AWS की कीज यूज नहीं करना चाहते हैं, आप अपनी की यूज करके डेटा को जो है आप एनक्रिप्ट करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं. तो इस तरीके से आपका तीन लेवल का एनक्रिप्शन होता है. अब यहाँ पे S3 मैनेज कीज में क्या होगा, तो S3 मैनेज कीज में जो भी डेटा अपलोड करोगे, S3 उनको अपनी एक की जिसका हम लोग बोलते हैं आपकी साइफर की यूज करेगा, अगर आपको एनक्रिप्शन का आइडिया है तो, और उससे जो है डेटा आपका एनक्रिप्ट हो जाएगा. तो ये AES की यूज की जाती है, एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड की, और CMK या फिर कस्टमर मास्टर की या फिर स्टोर्ड इन AWS KMS सर्विस में क्या होगा, ये भी आपका एनक्रिप्शन तो देता है लेकिन ये S3 मैनेज की से भी ज़्यादा बड़े लेवल का एनक्रिप्शन देता है और भी अच्छे लेवल का इंक्रिप्शन देता है. उसमें कुछ एडवांस फीचर्स भी आपके यूज होते हैं. फॉर एग्जांपल कि जैसे आपका S3 मैनेज कीज में होगा कि एक बार आपने की प्रोवाइड कर दी तो वो जब तक आप उसको स्टोर करके रख रहे हो वही की से वो इंक्रिप्टेड रहेगा. लेकिन KMS में अगर आपने कोई डेटा अपलोड किया है तो KMS क्या करता है, आफ्टर सर्टन टाइम कीज को जो है वो चेंज करता रहता है, सो दैट आपका एक हायर लेवल का एक इंक्रिप्शन आपको मिलता है. कस्टमर प्रोवाइडेड कीज का टेंशन कुछ भी नहीं है क्योंकि जब तक आप प्रोवाइड करेंगे वो डेटा उसका एनक्रिप्ट हो जाएगा. जो भी कस्टमर आपका मैनेज जो भी कस्टमर रहेगा उसका तो की रहेगा, उसके थ्रू ही वो एनक्रिप्ट हो जाता है. नाउ इनको यूज हम लोग कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा आपके डेमोन्स्ट्रेशन पे. तो लेट अस सी, AWS मैनेजमेंट कंसोल पे आप चले जाइए, S3 में चले जाइए. तो हमारा जो डेमो रहेगा उसमें हम लोग सिर्फ दो तरीके का ही इंक्रिप्शन यहाँ पे यूज़ करेंगे, फिर एक भी इंक्रिप्शन यूज़ करो सफिशिएंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं होगा कि आपको सिर्फ इंक्रिप्शन क्या होता है ये पता रहना चाहिए. तो अगर कोई भी बकेट में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे दो तरीके हैं फ्रेंड्स अगेन कि जब आप अपलोड कर रहे हो तो आप इसको कैसे यूज़ करोगे. तो लेट अस अज्यूम कि मैं पहले से ही कोई अपलोडेड डेटा उसको मैं एनक्रिप्ट करना चाहता हूँ, तो ऑब्जेक्ट में आप जाइए, उसकी प्रॉपर्टीज पे जाइए, यहाँ पे एक आपको एनक्रिप्शन का जो टैब है वो दिख जाएगा. तो यू कैन सी S3 सर्वर साइड एनक्रिप्शन और आपका AWS KMS सर्विस जो हमको दिख रहा है. तो ये जो मेरा पार्ट है ये आपका पार्ट है S3 मैनेज कीज का और सेकेंड वाला जो है आपका KMS सर्विस का है. तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप इसको प्रोटेक्शन में डाल सकते हो. तो जैसे ही आपने इसको प्रोटेक्ट किया, एनक्रिप्ट किया, इसका एनक्रिप्शन हो जाएगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्वर साइड एनक्रिप्शन इसको लग चुका है. नाउ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज एनक्रिप्टेड. अब इसको कोई भी अगर एक्सेस करेगा, अनऑथोराइज एक्सेस करेगा, तो वो डेटा वो उसको नहीं यूज कर पाएगा, उसको भी उसको नहीं नॉर्मल डेटा नहीं मिलेगा, एनक्रिप्टेड डेटा उसको मिलेगा. तो जब ये डाउनलोड होगा ये डिक्रिप्टेड रहेगा और जब ये अपलोड होगा या फिर जब ये जब तक रखा रहेगा तो ये सर्वर साइड एनक्रिप्शन से पड़ा है. यही चीज़ आप कोई नया ऑब्जेक्ट अपलोड कर रहे हो तब भी कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई नया वाला जो ऑब्जेक्ट अपलोड किया, कोई कोई भी आकर फाइल आप देख लीजिए, तो जब आप नेक्स्ट करेंगे
परमिशंस में तो नहीं, प्रॉपर्टीज में यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इंक्रिप्शन का, तो यू कैन यूज दीज ऑप्शंस आल्सो टू एनक्रिप्ट। तो जब भी आप डेटा अपलोड करोगे तब भी वो डेटा जो है आपका एनक्रिप्ट हो सकता है वाइल अपलोडिंग, और अपलोडेड डेटा को भी आप जो है एनक्रिप्ट कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द एनक्रिप्शन टेक्निक्स वाई और योर डेटा प्रोटेक्शन टेक्निक्स यूजिंग एनक्रिप्शन इन AWS S3। सो दिस इज ऑल अबाउट एनक्रिप्शन इन S3। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा हाउ टू डिप्लॉय अ स्टैटिक वेबसाइट ऑन S3। दैट इज अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेरी ईजी टॉपिक। सो इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही रहेगा। आपको अगर कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, तो मुझसे कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग डू द प्रैक्टिकल्स ऑल्सो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।